हर तस्वीर में काली माता की जीभ क्यों होती है बाहर? चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी। हिंदू धर्म के अनुसार देवी काली को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए माना जाता है। उन्हें भयंकर और शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता है। काली भगवान शिव की पत्नी माँ पार्वती का अवतार है। उनका निवास शमशान घाट है और उनके हथियार हैं कृपाण और त्रिशूल। काली माँ को तस्वीरों में भगवान शिव की छाती पर एक पैर के साथ युद्ध के मैदान में खड़े होने के रूप में दर्शाया गया है। उनकी जीभ भगवान शिव की छाती पर पैर रखने के लिए अचरज में पड़ गई। उनका रंग गहरा है और उनके चेहरे के भाव क्रूर हैं। उनके चारों हाथों को दर्शाया गया है। ऊपरी हाथों में से एक में वो खूनी कृपाण रखती हैं और दूसरे हाथ में वो एक कटा हुआ है राक्षस का सिर रखती हैं। निचले हाथों में से एक में वो एक कटोरा रखती हैं जिसमें वो रक्त एकत्र करती रहती हैं जो ऊपरी हाथ में दानव के विच्छेदित सर से टपकता है। दूसरा निचला हाथ वरद मुद्रा में दिखाया गया है। वो नग्न दिखाया गया और वो एक मुंडो की माला पहने नजर आती हैं। निचले शरीर में वो मानव हथियारों से बना कमरबंद पहनती है। इसके अलावा कहीं कहीं तस्वीरों में काली माँ के ऊपरी हाथों में से एक को वरदम मुद्रा में दिखाया गया और निचले हाथों में त्रिशूल दिखाया गया है। आपने कई तस्वीरों में देखा होगा कि माँ काली की छाती पर अपने पैर रखे हुए हैं। इसके पीछे की भी एक कथा है। रक्त बीज नामक असुर को वरदान था कि वो कभी नहीं मरेगा बल्कि उसके खून की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरेंगी उससे अनेक रक्त बीज उत्पन्न होंगे। वरदान पाकर रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी। देवताओं ने युद्ध की ठानी और रक्त बीज से लड़ने को तैयार हो गए। लेकिन जब वो सफल नहीं हुए तब वो काली माँ के पास पहुंचे। माँ काली अपना विभत्स रूप लेकर देवताओं की मदद करने के लिए युद्ध भूमि पहुंची। युद्ध के दौरान उन्होंने रक्त बीज की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी बल्कि अपनी जीभ को बाहर करके उसका पूरा रक्त पी लिया। रक्त बीज तो समाप्त हो गया लेकिन माँ काली इतनी ज्यादा कुपित हो गई थी कि उन्हें कोई भी शांत करने में सफल नहीं हो रहा था। तब देवताओं ने भोलेनाथ से विनती की कि वो माँ काली को शांत कराएं। भगवान शिव ने कई प्रयास किए पर वो असफल रहे। फिर भोलेनाथ काली को रोकने के लिए उनके सामने लेट गए। जैसे ही गुस्से में माँ काली ने अपने कदम बढ़ाए उन्हें एहसास हुआ कि वो भगवान शिव के ऊपर चरण रख रही हैं। ये देखकर वो शांत हुई, चरण के पास जाकर लेट गए और माँ काली ने देखा कि वो शिव जी पर कदम रखे हैं। तो जब काली माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने शर्मिंदगी में अपनी जीभ बाहर निकाल ली। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलेगा और इंस्टाग्राम पे हमारा आईडी है द स्पाइसी बीजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इस एनिमल्स को फीड करा, उनकी हेल्प करना, पेड़ पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली।